ग्रीटिंग्स एवरीवन, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th अकाउंटिंग का एक और टॉपिक, चैप्टर है लेजर। और लेजर में हमने करना क्या है, पोस्टिंग, यानी जर्नल से या स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक्स से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स में। अब पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कंपाउंड एंट्री की, सिंपल एंट्री की या डबल कॉलम कैश बुक से कैसे पोस्टिंग करनी है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल कॉलम कैश बुक से, यानी जिसमें सिर्फ कैश कॉलम हो, कैसे हमें जर्नल एंट्री करनी है, या बैंक कॉलम भी हो तब भी चलेगा, एक ही बात है। यानी कैश कॉलम हो या बैंक कॉलम, लेकिन एक कॉलम है, ओनली वन कॉलम, तो ये हमारी कैश बुक रही स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट कैश बुक नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ कुछ एक ट्रांजेक्शन ली हैं, सो दैट आपको मैं इजीली समझा सकूं। ये हमारी कैश बुक है, देखिए कैश बुक के कॉलम्स ध्यान से, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। कैश बुक ये सिंपल कॉलम कैश बुक है, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें है क्या, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस हम कैश बुक मान लेते हैं, सिर्फ कैश बैलेंस है ये। फिर 3rd मार्च को टू सेल से आए 6000, टू सोनम 7000। इस तरफ देखें तो 2nd मार्च बाय परचेजेस 3000, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 2000। अब इसमें पांच चीजें लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स। ओपनिंग बैलेंस की तो देखिए कहीं पोस्टिंग नहीं होती, और एक बात और ध्यान रखें, ये कैश बुक है, और मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ओनली कैश कॉलम, कैश कॉलम, ये कैश बुक है, ओनली कैश कॉलम, ओनली कैश कॉलम, यानी अपने आप में ये कैश अकाउंट भी है। तो ओपनिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, फर्दर उसकी कहीं भी पोस्टिंग नहीं होगी। अब कुल मिला के इसमें देखिए 4 अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, डेबिट साइड से सेल्स अकाउंट में और सोनम के अकाउंट में। हमने सेल्स अकाउंट भी बना दिया, सोनम का अकाउंट भी, यानी यहां से लेजर भी स्टार्ट हो गया आपका। क्रेडिट साइड में देखें तो परचेजेस अकाउंट में पोस्टिंग होगी और ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में पोस्टिंग होगी। तो चलिए सबसे पहले जो डेबिट साइड में अकाउंट्स हैं, ये दो हैं देखिए, इनकी पोस्टिंग करनी है हमें। अब एक बात समझ लें स्टूडेंट्स, कैश बुक के डेबिट में जो भी टर्म आई है, चाहे वो सेल हो, किसी का नाम हो, कुछ और हो, वो क्रेडिट हुआ है, यानी कैश बुक के एक तरह से कैश अकाउंट भी है ये। इसके डेबिट में कोई आइटम आई है तो इसका मतलब वो क्रेडिट हुई है। दूसरा समझने का तरीका है, जिस भी अकाउंट के साथ टू लग जाए इसका मतलब वो क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब पोस्टिंग होगी उसके क्रेडिट में। यानी ये दो अकाउंट तो क्रेडिट हुए हैं, तो डेबिट क्या हुआ, डेबिट हुआ है कैश। यानी अगर जर्नल एंट्री पास करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सोनम। तो सबसे पहले चलिए सेल्स के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, सेल्स अकाउंट यही गिवन है। दूसरा एक सिंपल तरीका भी समझने का, डेबिट साइड से कैश बुक के डेबिट से कहीं भी पोस्टिंग होगी तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में होगी, और क्रेडिट से कहीं भी पोस्टिंग होगी तो दूसरे अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले चलिए सेल्स अकाउंट में चलते हैं, सेल्स क्रेडिट हुआ है, यहां पर डेट लिखेंगे 2020 मार्च, डेट इज 3rd, यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट या कैश बुक से पोस्टिंग हो रही है 6000 रुपीज। तो देखिए सेल्स के साथ टू लगा हुआ तो ये क्रेडिट है, क्रेडिट में पोस्टिंग होगी बाय कैश अकाउंट। अब 5th मार्च को सोनम के अकाउंट में चलिए, यहां लिखा हमने सोनम, कंप्लीट परफॉर्म अप जरूर बनाए आप लेजर अकाउंट्स का, ध्यान रखें स्टूडेंट्स। यहां फिर से डेट लिखें 2020 मार्च, और डेट है 5th, यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट हो गया 7000 रुपीज। यानी एक बात तो समझ में आ गई आपको, कैश बुक से किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, बाय में लिखो या टू डेबिट में लिखो या क्रेडिट में दूसरे अकाउंट के, तो टू कैश या बाय कैश ही आएगा, ये समझ लीजिए। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड वाले अकाउंट पे, देखिए क्रेडिट साइड में 2 अकाउंट है। अब देखिए कैश अकाउंट के या कैश बुक के क्रेडिट में जो 2 अकाउंट आए हैं, इनके साथ बाय लिखा है, किसी भी अकाउंट के साथ अगर बाय लिखा हो तो इसका मतलब वो डेबिट हुआ है और पोस्टिंग होगी उस अकाउंट के डेबिट में। और दूसरा समझने का तरीका है,
जब हम कैशबुक के क्रेडिट से कहीं भी पोस्टिंग करेंगे तो दूसरे अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले लीजिए 2nd मार्च, यहां हमने लिखा 2020 मार्च 2nd, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैशबुक से पोस्टिंग हो रही है, अमाउंट वाले कॉलम में 3000 रुपीज। इसी तरह नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, तो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया, कंप्लीट परफॉर्मा हर चीज लिखनी है स्टूडेंट्स। तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी डेबिट हुआ है बाय लगा, तो इसको डेबिट में जाएंगे, यहां लिखेंगे डेट 2020 मार्च, और डेट है स्टूडेंट्स 7th मार्च, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 2000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें हमने कुछ एंट्रीज ली हैं, कंप्लीट कैश बुक नहीं, और 4 अकाउंट्स में 2 अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग की है, सेल्स अकाउंट और सोनम के, और परचेज और ऑफिस एक्सपेंसेस के डेबिट में पोस्टिंग की है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, और जब भी मेरा वीडियो देखना शुरू करें तो आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली साथ साथ करें। आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करें। नॉर्मली क्लासेस में स्टूडेंट्स इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जो लेजर आपको बताते हैं टीचर भी, नॉर्मली हम भी टीचर रहे हैं, आई टेल यू कि वो सिर्फ जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करनी है वहां तक लिमिटेड रहता है। सब्सिडियरी बुक और कैश बुक से पोस्टिंग कैसे करनी है वो थोड़े से टाइम में ही फटाफट ब्रीफ में बता के काम हो जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको काम कब आएगा, जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करेंगे, तब आपको बहुत काम आने वाला है वो चैप्टर। जब तक पोस्टिंग की नॉलेज नहीं होगी कि लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, तब तक आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स कॉमर्स विद डिफरेंस वीडियोज और चैनल को देखते रहिए, इसी तरह की बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोज अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ाने पर मैं बनाता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।